करो आप करो, कोई बात इधर आ जाओ बेटा, इधर साइड पे हो गया थोड़ा पीछे हो जाए मास्टर का ना, पीछे से ले बस, पीछे ले ले नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं बनी टुडे, मैं हूं मोहम्मद हुसैन। इस वक्त हम सुरजन पंचायत में हैं और ये वार्ड नंबर 1 है। यहां पर आज रिजर्वायर टैंक का यहां पर उद्घाटन किया गया। ये रिजर्वायर 7,26,000 की लागत से जो है बनाया गया है। आज इस टैंक को जो हैंडओवर करने के लिए यहां पर हमारे साथ SDM साहब बनी और DDC बनी श्रीमती रीता ठाकर और BDC ब्लॉक डुगन नीलमत देवी यहां पर जो है मौजूद है और इनके साथ हमारे सरपंच साहब केशव राम भी यहां पर जो है मौजूद है और BDO साहब भी ब्लॉक डुगन के, वो भी आज यहां पर इस मौके पर मौजूद हैं। हम सबसे पहले हैं जो है SDM साहब का यहां पर आना जो है इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम इनके याद इसी मौके पर यहाँ इनसे बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज बैक ये जो हमारा वार्ड नंबर 1 है सुरजन पंचायत का चबार विलेज और इसके जो वार्ड नंबर 1 के काफ़ी सारे इनहेबिटेंट्स हैं, इनकी एक कंसिस्टेंट डिमांड रही है कि पानी की बहुत किल्लत है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो काफ़ी दूर हैं पॉपुलेशन से। तो बैक टू विलेज में ये काम रखा गया था जिसकी लागत 7.26 लाख रुपया है। तो आज ये रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट हुआ है, इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और ख़ासकर यहाँ के हमारे जो लोकल सरपंच हैं डॉक्टर केशव राम जी, इन्होंने अपनी निगरानी में ये काम करवाया और एक अच्छा जो रिजर्वायर है यहाँ बन के तैयार हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि इस रिजर्वायर के बनने के बाद जो लोगों को पानी को लेकर दुश्वारी थी वो हल हो जाएगी। थैंक यू। इसके बाद हम जो है DDC श्रीमती रीता ठाकुर से भी यहाँ जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहिए इस मौके पर आज? चलो सर, मैं सबसे पहले और मैं जितने भी आज के कमेटी मेंबर हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आज ये काम कंप्लीट हुआ, जो हमने अच्छी तरह से चेक कर लिया अच्छा है। और अभी मुझे लगता है कि जो हमारी सुरजन की जनता है उनको पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद हम DDC मेंबर नीलमत देवी से भी जाना चाहेंगे, रोड का बारे में बोलना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आज आप जो है इधर आ जाए रोड के बारे में बोलना चाहिए? ये मेरा, मैं DDC चेयरपर्सन आज मेरा तीसरा दौरा है सुरजन पंचायत में, जो मैं तीसरी बार आई हूँ। पहले मैंने 2 दफ़ा जहाँ पे आ चुकी हूँ। आज जो वाटर टैंक जहाँ पे बना है लोगों की काफ़ी किल्लत थी सुरजन पंचायत में, आज वो इनकी मांग पूरी हो गई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ श्री सरपंच साहब का जिन्होंने यहाँ पर अपनी पंचायत में ये वाटर टैंक बनाया। आज इनकी ये पानी की डिमांड पूरे एरिया की हो जाएगी जहाँ के जो चंबार का एरिया है। थैंक यू। इसके बाद यहाँ से जो JE साहब है हम उनसे भी ये जानना चाहेंगे कि ये रिजर्वायर तो यहाँ से तैयार तो हो चुका है लेकिन सप्लाई कब तक यहाँ से आगे जो चालू होगी? सर सबसे पहले आप अपना नाम जो तारीफ कराएं। मैं मुजफ्फर जो सरपंच साहब काफ़ी कंसिस्टेंट डिमांड थी तो ये इसी साल टेंडर हुआ था और रिकॉर्ड टाइम में ये कम्प्लीट भी हुआ।
ये तो एक अलग से ही इसका टेंडर लगा था। रही पाइप वर्क की जहाँ रिपेयर की जरूरत है या शिफ्टिंग, क्योंकि अब एक लाइन जो यहाँ नीचे से जा रही है उसको भी शिफ्ट करेंगे हम, इसे उसका भी टेंडर हो चुका है और हमें उम्मीद है कि 31 मार्च 2022 तक जो है हम सारा सिस्टम इसका सेट कर देंगे और लोगों की काफ़ी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि पानी की बड़ी किल्लत रहती है यहाँ पे। एक वार्ड नीचे है और 2-4 मकान इस तरफ है सरपंच साहब, तो मुझे उम्मीद है कि ये विदिन 2 मंथ्स के अंदर अंदर ही ये काम कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम सरपंच साहब सुरजन जनाब केशुराम से भी ये जानना चाहेंगे, आज इसके मौके पर जी क्या कहेंगे? काबिले एहतराम मैडम रीता ठाकुर जी, SDM बनी, BDC, BDO साहब, JEE, PHE और यहाँ के आवाम जो यहाँ आए हुए हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ SDM साहब, रीता ठाकुर, BDC और BDO साहब का, जिन्होंने मौके पर आके हमारा काम को देखा और उद्घाटन किया। और ख़ासकर मैं JEE साहब, PHE को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने होल हार्टी से दिल लगा के ये काम किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा ये काम जो भी यहाँ रहा है JEE साहब इसको कंप्लीट करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।